नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बात करते हैं मार्केट की बड़ी गिरावट और यस बैंक तो आपका फेवरेट है ही, और रिलेटेड पीसी ज्वेलर्स रिलायंस जिसके आज रिजल्ट आए ज़बरदस्त तरीके से और 10,000 करोड़ के पार पहुंचा रिलायंस का प्रॉफिट और शेयर में 12 रुपये की गिरावट है। तो उसकी बात करेंगे कल के मंडे को रिलायंस किस प्रकार परफॉर्मेंस दे सकता है। माइंडट्री IOC स्पाइस जेट आज इसके टारगेट आपको मिले थे। स्पाइस जेट में भी आज आपको ज़बरदस्त तरीके से टारगेट मिला, 100% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और IOC में भी 100% टारगेट, माइंडट्री में 100% टारगेट है। बजाज फाइनेंस का कल का ही कॉल था, आज तो आपको इंट्राडे में इसका देने का मुझे चार्ट है मेरे सामने ही, इसको मैं दे ले ही नहीं पाया, लेकिन कल आपको इसमें सेल कॉल दी थी, लास्ट में जाके मैंने बूम बूम कॉल दी थी और बताया था ये टारगेट आपको 3400-3350 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 3500 रुपये से आपको डायरेक्ट टारगेट दिए थे 3494 से, ठीक है। तो इतना बड़ा टारगेट दिया था, वो उस चीज़ का ये असर है कि बूम बूम कॉल का असर है यहाँ पे कि इसका ब्रेकआउट हो चुका था और ज़बरदस्त तरीके से गिरावट दिख रही थी, वो गिरावट यहाँ आपके सामने आज भी कंटिन्यू रहती हुई। पीसी ज्वेलर्स में आज आपको यहाँ पर सेल में और बाय में दोनों तरफ दिया गया, तो पीसी ज्वेलर्स में भी कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला, बाई सेल दोनों बीच में जाके रुक गया, ये दोनों तरफ में इसे ये पता पैसे के मूवमेंट में रुक गया, जाके कोई ज़्यादा वो कर नहीं पाया, ठीक है। और टाटा मोटर्स में नहीं दिया लेकिन सारे ग्राउंड दिया। यस बैंक में आज आपको मैंने सेल की कॉल दी थी पहले, उसके टारगेट कंप्लीट हुए, उसके पश्चात मैंने आपको बाय की थी लेकिन वो बाय वाली कॉल चल नहीं पाई और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस था उसको इसने हिट किया, ठीक है। उसके अलावा इंडिको का आपको दिया, इंडिको इसने सेकंड टारगेट कंप्लीट किया। DLF का दिया आपको, DLF में इसने आपका सेकंड टारगेट कंप्लीट किया, सेल का दिया DLF में। लेकिन अपन बात करते हैं थोड़ा सा यस बैंक की, रिलायंस की और पीसी की, तीन की बात करेंगे अपन, क्योंकि रिलायंस के इसलिए कि रिलायंस में रिजल्ट ज़बरदस्त तरीके से आए हैं और मार्केट की गिरावट की। तो सबसे पहले मैं मार्केट की गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट की गिरावट के बारे में आपको बता दीजिए कि बैंक निफ्टी में ऊपर की चाल के लिए कोई जगह नहीं है। ये आपको मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ कि 31,700 जब बैंक निफ्टी गया था, मैंने बताया सेल, और इसको सेल करा के आपको डायरेक्ट का 30,100 के टारगेट, तो ये पिछली बारी आपको दे गया था और वापस इसने बाउंस 31,300 चला गया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि वापस ये आपको सेल करते चलें और वापस आप 30,100 का टारगेट लगा के चलें, ये ठीक वो टारगेट देगा। लेकिन अगर 30,100 ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी में बड़ा एक भूचाल आ सकता है और उसके बाद में आपको टारगेट मिलेंगे 29,300, ठीक है, 29,300। तो आज ये 29,700 का तो इसने टारगेट दिखाई दिया है, 29,700 का टारगेट इसने दिखाई दिया है और 29,300 400 पॉइंट ही दूर है, वो भी अब टारगेट ये जल्दी ही दिखाता हुआ नज़र आ सकता है बैंक निफ्टी। दूसरी बात मैंने बैंक निफ्टी में आपको अभी दिखाऊंगा, मैं जो एम का ब्रेक बताया था कि जैसे ये इस एम का ब्रेक होगा, इस प्रकार बैंक निफ्टी चार्ट बनाया था, लेकिन एम का ब्रेक होगा तो इस एम का जो ये एरिया ही 1800 पॉइंट का है, तो बैंक निफ्टी नीचे 1800 पॉइंट नीचे आपको गोता लगाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि ये 26,200 की रेंज में जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ तक भी बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इसने आज एम का ब्रेकआउट दे दिया है। चलिए बात करते हैं अपन अब यस बैंक की। यस बैंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि आज इसमें मैं छोटे छोटे आप यस बैंक पीसी ज्वेलर्स और रिलायंस के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ बताना है तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं क्लियर कट यहाँ पर बात करूँगा। यस बैंक की एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी है और एक इसको कहें अपन कि हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। इस कैंडल्स में यही है, इस कैंडल्स का ये दोनों तरफ जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट दे देगा उसी तरफ एक बड़ा उछाल या एक बड़ा भूचाल, अगर भूचाल में बोलूँ कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो नीचे की तरफ ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आ सकती है, जिसका हाल DHFL की तरह हो सकता है, ठीक है, वहाँ उसी की रेंज ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो यस बैंक सबसे पहले टारगेट दिखाएगा 100 रुपये का, लेकिन ये जो कैंडल्स है पिछली जो कैंडल्स है इसका ये जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल्स इसको अपन हैंगिंग मैन कैंडल्स बोल सकते हैं, इसका ये हाई ब्रेक होती, ठीक है, जैसे कि 90.50 यानी कि अपने क्राउन में ले सकते हैं, क्योंकि जो वन डे पे कुछ 50 पैसे का पॉइंट को ज़्यादा मायने नहीं रखता। 91 रुपये जैसे ब्रेक होगा यस बैंक आपको 100 रुपये का टारगेट दिखाने के लिए तैयार है, वहाँ तक ये जा सकता है, आपको 100 रुपये का टारगेट दिखाएगा कि फास्ट गति से दिखा तो नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये इसका ये लो ब्रेक हो गया, ध्यान देंगे जैसे अगर 78 का एक सपोर्ट मैंने बताया भी था आपको, 78 का सपोर्ट है, ठीक है, अगर 78 अगर ब्रेक हो गया और इसका ये टेल भी 78 के आसपास ही आ रही है क्योंकि 79 दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, अगर 78 ब्रेक हो गया तो यस बैंक समझ लीजिए यस बैंक का जो हाल वो DHFL की तरह हो सकता है और आपको 50-60 रुपये के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट इसमें आप 60 रुपये का लेकर चल सकते हैं, दूसरा टारगेट इसमें 40 रुपये आप लगा के चल सकते हैं यस बैंक में, अगर ये 78 ब्रेक हो जाता है तो, ठीक है, ये तो यस बैंक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और बात करते हैं अपन पीसी के बारे में।
देखो यस बैंक इंट्राडे में घूमने को बाई सेल, बाई सेल दे देगा इंट्राडे में, जो मैंने आपको देखो एयरलाइंस के बारे में है, और थोड़ा देखो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे भी समय नहीं लेंगे आपको बता दे, थोड़ा सी ये बात करवा देते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे आपका जो कॉल्स था, किस प्रकार आपको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, या आपने अगर प्रॉफिट की जगह लॉस किया तो किस प्रकार लॉस किया है। तो लॉस तो आपने नहीं किया, प्रॉफिट किया होगा अगर टारगेट टारगेट सारे बुक कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे किसी का भी निकाल लो अपन, चाहे इनका इनका निकाल लो वापसी की अपनी, चाहे इनका निकालो, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो वापसी निकाल निकाल लेते हैं जहाँ निकाला था। यहाँ पे आप आपको सुबह देखो यहाँ पे माइंड ट्री का दिया था टारगेट 100% कंप्लीट, आईयूसी का 100% कंप्लीट, स्पाइस जेट का 100% कंप्लीट, टेस्ट बैंक का सेल का दिया था उस समय, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं था, ठीक है। यहाँ देंगे इसको, मैं दोबारा रिजेक्ट करूँगा, टेस्ट बैंक को दोबारा दूंगा सेल को, यहाँ पे नहीं। पीसी ज्वेलर्स का आपको सेल का दिया था, तो इसमें 50 पैसे का मूवमेंट दिखाया, कोई ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन ना तो इसमें अपन को 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि कुछ प्रॉफिट ही हुआ होगा। इंडिगो का सेल का दिया था आपको, तो इंडिगो यहाँ पे सेकंड टारगेट दिखाया, इस इंडिगो को मैंने स्टॉप लॉस रिवाइज भी करवाया था, और DLF में यहाँ पे सेल का दिया था, तो DLF में यहाँ पे सेकंड टारगेट दिया, ठीक है। यस बैंक देखो ओल्ड कॉल रिजेक्ट, देखो यहाँ पे आ गया येस बैंक ओल्ड कॉल रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि न्यू कॉल्स अब यस बैंक की, क्योंकि ओल्ड कॉल रिजेक्ट क्या हुआ, क्योंकि 83 पॉइंट मैंने 20 से ब्रेक दिया, उस समय 83.20 को ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है। दोबारा से मैंने दिया था येस बैंक को 85.50 से, और यहाँ पे 84-82 के टारगेट दिए थे आपको, तो ये टारगेट 84 कंप्लीट हो चुका था उस समय, मैंने आपको दोबारा बाई का दिया था, लेकिन वो यहाँ पे देखो येस बैंक फर्स्ट टारगेट कम्प्लीट, ठीक है। और ये येस बैंक यहाँ पे देखो दोबारा मैंने बाई का दिया था, इंफ्राटेल का मैंने बाई का दिया था, इंफ्राटेल बाई का लेवल आके और फर्स्ट टारगेट के आसपास जाके उस समय मार्केट का अपने टाइम ओवर हो चुका था, ठीक है। येस बैंक का आपको मैंने बाई का दिया था उस समय, दिए बाई का मार्केट लास्ट टाइम चल रहा था, और इसने ये बाई का जो दिया था उससे जो ये इसने ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस ने हिट किया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव था, ठीक है। तो बस इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब अपन बात करते हैं इस पर रिलायंस पे, रिलायंस पे इसलिए बात करूँगा मैं कि रिलायंस के लिए मंडे के लिए बड़ा एक अहम दिन हो सकता है, और रिलायंस में एक बड़ा मोमेंट या बड़ा गिव आउट, ठीक है। रिजल्ट में मत जाइए, आप चार्ट पे जाइए, ठीक है। रिजल्ट के साथ में मैं देखूँगा चार्ट को, देखो रिजल्ट तो कितने गजब आई हैं कि भाई साहब के 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जिसका मतलब ये कम से कम 50-60 रुपये तो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए ये, ठीक है, ठीक है ना, हो सकता है गैप अप ओपनिंग। लेकिन चार्ट में मैं देखूँ तो इसने ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगर रिलायंस 1240 को ब्रेक नहीं करता, ध्यान देंगे 1240 को, हाँ 1240 को अगर रिलायंस ब्रेक नहीं करता है, तो रिलायंस में एक बड़ा यहाँ से बाउंस भी देखने को मिल सकता है, जो बाउंस भी मुझे दिखाई दे रहा है लगभग लगभग यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ₹1280 डायरेक्ट, देखो यहाँ पे इसका 40 रुपये का पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1280 पहला टारगेट ही, दूसरा टारगेट आप लेके चल सकते हैं 1300, और चौथा टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसमें 1325 का। ये रिलायंस का अगर 1240 इसमें ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, अगर 1240 का इसका ब्रेकआउट नीचे दिखाई देता है और उसके नीचे कंटिन्यू 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तो इसके रिजल्ट कितने अच्छे आए होंगे, रिलायंस में एक गिरावट आ सकती है, और एक गिरावट पहला टारगेट इसमें आप 12 छोटा टारगेट मिलेगा, क्योंकि इसमें छोटा एक सपोर्ट ले रखा है, ध्यान देंगे छोटा टारगेट 10 पॉइंट करेगा। लेकिन अगर 1224 कहूँगा, 1224 ब्रेक हुआ, तो यह रिलायंस बड़ी ग्राउंड देखने को मिल सकती है, जो कि 1200 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और रिलायंस आपको ये लगभग लगभग 1170 तक के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस देखो यहाँ पे, अगर रिलायंस रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर की तरफ देना चाहिए, लेकिन अगर नीचे दे गए तो आप रिजल्ट को मत देखना, फिर ये चार्ट की तरफ चलेगा और फिर आपको नीचे गिरावट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ से ये 1240 को ब्रेक नहीं करता, तो रिलायंस यहाँ से आपको 1280-1325 तक के टारगेट दिखाते हुए नजर आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं पीसी की, जो भी सज्जन अगर अब व्हाट्सएप के माध्यम से अगर जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ना चाहें, और ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 7689871065 टाइप नंबर है, वहाँ पे आप हाई लेके व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे।
देखो पीसी ज्वेलर्स में ये जो इसके रेंज बाउंड में फंस चुका है पीसी ज्वेलर्स, और इसमें देखो ऑप्शन से बाहर कर दिया, इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात इसमें वॉल्यूम है, 1 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई है, सिर्फ 78 लाख की ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, और 35 हज़ार लोग सेल क्वान्टिटी के लिए बैठे हैं, ठीक है। लेकिन पीसी ज्वेलर्स देखो ये जो इसका मूवमेंट है, सभी को यहाँ से आउट करके एग्जिट करके उसके पश्चात ही मूवमेंट दिखेगा और अपर सर्किट सर्किट के साथ ही जाएगा, पर लगभग 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 7-8 दिन अपर सर्किट बना रहेगा, ठीक है। जब इसकी चाल आएगी ना, 7-8 दिन अपर सर्किट बना रहेगा, उस समय किसी को बाइक करने का मौका भी नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये बात समझ लीजिए, ये वक्रांगी की तरफ फिर अपर सर्किट कंटिन्यू ज़्यादा हो जाएगा, और जिसने यहाँ से पहले ये बाइक करके रखे हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अपर सर्किट में जाएगा और वो अपर सर्किट टूटेगी नहीं। ध्यान देंगे, अपर सर्किट नहीं टूटेगी, क्योंकि ऑप्शन में जो शेयर होता है या फ्यूचर्स में जो शेयर होता है उसी की अपर सर्किट टूटती है। इसकी अपर सर्किट अगर ये पकड़ लेगा उसके पश्चात अपर सर्किट बना रहेगा ये, अगर उस दूसरे दिन अपर सर्किट खुलेगा फिर वहीं बना रहेगा, लगातार 7-8 दिन अपर सर्किट बन के ये 70-80 रुपये के टारगेट ऐसे ही दिखा देगा पीसी ज्वेलर्स से, ठीक है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब इसमें ये इसकी बारी आएगी, ठीक है। अभी तो इसमें सेलिंग प्रेशर है, कल आपको ये सेल और दिखा सकता है, अभी की ओर सुन लो आप, ठीक है, अभी की ओर सुन लो आप, कल आपको सेल दिखा सकता है, लेकिन कब दिखाएगा? जब ये 3400 ब्रेक होगा। अगर 34 पीसी ज्वेलर ब्रेक करता पीसी ज्वेलर, आप टारगेट लेके चलिए 33, 32 और 30 रुपये तक टारगेट पीसी ज्वेलर, आप कल कल दिए यानी कि कल का मतलब मंडे को दिखा सकता है। अगर 34 ब्रेक होगा तो 33, 32 और 30 रुपये तक के टारगेट पीसी ज्वेलर दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर की कंडीशन पीसी ज्वेलर कब आएगा? जब ये पहला तो 38 रुपये को इसके ऊपर क्लोजिंग आए, उसके पश्चात 40.70 तो एम है, लेकिन ये अभी 38 रुपये के ऊपर इसकी क्लोजिंग आए तो पीछे ज़रूरत में थोड़ा सा ये जो सेल का मूड है ये चेंज होगा और ये वापस आपको बाइक रेंज में अगर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन पीछे ज़रूरत की जो कंडीशन है ये है कि ये अब यहाँ से इस प्रकार अपनी फ्राक में है कि सबको आउट करके और ये अपर सर्किट कभी भी अभी देखो कल तो ये मंडे का इसका सेल का दिखा रहा है कि 34 ब्रेक होगा तो ये आपको 32, 33 और 30 तक के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन ये अपर सर्किट पकड़ सकता है, कभी भी अपर सर्किट पकड़ के और कंटिन्यू 7-8 दिन अपर सर्किट बन के ये 75 या 80 रुपये का टारगेट दिखा देगा और किसी को बाय करने का मौका भी नहीं देगा। ये आपको और ये है कि एक वक्रांगी की तरफ भागेगा ये, फिर ये ठीक है। ये पीसी ज्वेलर्स की कंडीशन हो गई। बैंक निफ्टी का आपको मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट पे नहीं बताया मैंने आपको। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने आपको बताया था और आपको भाई अच्छी तरह में समझा रहा कि इसे एम बनाएगा। देखो एम नहीं बना उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि बैंक निफ्टी एम बनाएगा, ठीक है, और ये यहाँ तक जाएगा और वहाँ से इसमें बड़ी ग्राउट आएगी। तो ये बड़ी ग्राउट देखो आपको ये पहले ही बता दी, बड़ी ग्राउट ही आई थी उस समय मैंने आपको बता अलर्ट कर दिया कि बड़ी ग्राउट आएगी। उसके पश्चात मैंने फिर कहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा लेकिन ज़्यादा जगह नहीं है, वापस गिरेगा जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, इसमें बड़ी ग्राउट आएगी। ये लेवल ब्रेक हुआ देखो, आज ब्रेक हुआ, बड़ी ग्राउट इसमें देखने को मिली है। तो सारी जो चीज़ें आपको पहले बता देते हैं, लेकिन डेली आपको इंटरनेट बैंक निफ्टी में व्हाट्सएप पर भी नहीं देता हूँ, बैंक निफ्टी इंटरनेट नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी इंट्राडे देता नहीं, झूठ क्यों बोले, अपन बैंक निफ्टी इंट्राडे देते नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शन और फ्यूचर का शेयर्स हैं, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको पता है और फ्यूचर्स और ऑप्शन में देता ही नहीं हूँ, ठीक है। जो क्लाइंट्स वगैरह से जो 5 लाख के वो पोर्टफोलियो है वो फ्यूचर्स का ज़रूर उनको मैं बैंक निफ्टी मैंने सेल करा रखा है, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप के जो आप छोटे क्लाइंट हैं उनके आपको मैंने बैंक निफ्टी को कभी दिया भी नहीं है, दूंगा मैं नहीं कभी, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी इस प्रकार यहाँ पे जो एन बनाया था उससे मैंने कहा था बैंक निफ्टी नीचे एक धड़ाम से नीचे आएगा और एम बनाएगा, ये एम बनाए यहाँ पे, ठीक है। ये एम बना था उससे मैंने कहा था इसका एम की जो रेंज है ये जो 30,100 रुपये जैसे ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 26,200 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। इसमें आप पहला टारगेट लगा के चलें 29,300, तो आज ये 29,700 तो आ ही गया, अब 29,300 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 29,300 भी आपको दिखाते हुए नजर आ सकता है और फिर 28,700 फिर 26,200 की तरफ बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं 7689871065। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।